दिस चैनल इज़ फॉर एजुकेशन पर्पज़ एंड वी डोंट नॉट रिकमेंड यू टू बाय और सेल एनी स्टॉक्स बिफोर इन्वेस्टिंग इन आवर प्रिडिक्शंस. प्लीज़ टेक एडवाइस फ्रॉम योर फाइनेंशियल एडवाइजर. वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑफ योर प्रॉफिट एंड लॉसेस. सो वेरी गुड इवनिंग गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो. तो आज की इस वीडियो में हम पहले तो मैंने आपको याद होगा एक दिन पहले मैं कल तो वीडियो नहीं अपलोड कर पाया था किसी रीजन से. एक दिन पहले मैंने आपको बताया था कि हो सकता है ये जो मार्केट है इसके बियरिश रहने के 50-50 चांसेस है. पहले मैंने कहा कि ये डाउन आके रिवर्सल मार के अप आ सकता है और फ्लैट क्लोजिंग की संभावना है, जो कि हुआ कल के मार्केट में. ऐसा हुआ. आई बटन पे क्लिक करके आपको पता चल जाएगा ये चीज़ मैंने कही थी. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार देख लीजिएगा. तो आज के लिए हमने सोचा था, हमने अपने सब्सक्राइबर्स को बताया था कि ये जो मार्केट है वो फ्लैट चलने वाला है. मैंने टेलीग्राम चैनल पे नहीं, व्हाट्सएप पर प्रोवाइड किया था. डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा. आप भी हमारे साथ इंट्राडे करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, हमें कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा. वहाँ पर मैं निफ्टी के डे टू डे अपडेट देता रहता हूँ कि क्या मार्केट का ट्रेंड होने वाला है, आपको क्या करना है, क्या फॉलो करना है, क्या लेवल्स रहेंगे. मिड कैप के स्टॉक्स जनरली मैं प्रोवाइड करता हूँ. तो निफ्टी मैंने कहा था, मैंने मार्केट शुरू होने के बाद मैंने एक चीज़ कह दी थी कि निफ्टी जो है फ्लैट चलने वाला है फिलहाल के लिए. सेकंड फेज में इसका बियरिश मूव हमें दिख रहा था, जो कि ये फ्लैट चलते हुए भी डाउन आ रहा था. इसे न्यूट्रल बियरिश हम एक तरह से कह सकते हैं कि ये हल्का हल्का डाउन आ रहा था. फिर एकदम से ट्रेंड चेंज हुआ. मैंने अपने सारे सब्सक्राइबर को बता दिया था कि ये जो स्टॉक है ये बुलिश अप ट्रेंड में होने वाला है, ये अप ट्रेंड में जाके क्लोज होने वाला है. और जो क्लोजिंग थी इसकी मैंने कहा था 15,630 से 15,700 के बीच में होगी, जो कि हमें देखने को मिला 15,688 पे. क्या हो सकता है अब, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस क्या हैं, ये जो है एक बार अपना रिवर्स लेके ऊपर आ चुका है तो इसका जो है कल हमें एक डाउनफॉल का मूवमेंट दिख सकता है. 100% नहीं बट 50% चांसेस में हल्का सा डाउनफॉल हमें दिखे. वही फ्लैट क्लोजिंग होने के फिर से चांसेस हैं. और वहीं अगर ये जो आपको ग्रीन कैंडल दिख रही है ये सपोर्ट बनाती भी जाती है तो ये स्टॉक कल गैप अप ओपन होके अब जा सकता है या फिर फ्लैट मार्केट पे वर्क कर सकता है. तो आज जो पहला स्टॉक था हमारा वो था गोदावरी पावर. बस कुछ ही स्टॉक मैंने आपके लिए निकाल के रखे हैं, स्टॉक्स तो बहुत सारे थे बट कुछ स्टॉक सेलेक्ट करके बताएं जिनका मूवमेंट ठीक ठाक रहा. गोदावरी पावर में भी इसमें हमारे दो टारगेट प्राइस अचीव हो गए थे. दोनों टारगेट प्राइस अचीव होने के बाद ये जो है शॉर्ट सेलिंग की कॉल एक्टिव हुई थी बट इसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया था. ये इसका रीज़न आप इससे भी लगा सकते हैं कि जो निफ्टी था वो फ्लैट मार्केट पे वर्क कर रहा था. एट द एंड में बड़ा जरूर, लेकिन तब तक वो फ्लैट मार्केट पे वर्क कर रहा था. एट द एंड में काफ़ी सारे ट्रेडर्स ट्रेड नहीं करते हैं. जो हमारा अगला स्टॉक था मुथूट फाइनेंस, ये मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर दिया था. डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन जरूर हो जाएगा क्योंकि मॉर्निंग में स्टॉक के लेवल से वहीं अपलोड करता हूँ, प्लस गैप अप ओपन होने के बाद स्टॉक्स के लेवल में चेंज भी वहीं कर देता हूँ. तो यहाँ पे हमें इसे 1455 पे बाय करके चलना था. इसने अपना हाई बनाया है 1536 का, तो आप लगा सकते हैं अच्छा खासा रिटर्न इस समय हमें देखने को मिल गया. 6% का रिटर्न आपको देखने को मिल गया. लगभग लगभग 100 पॉइंट्स इसने चेंज किया, लगभग लगभग 95-100. अडानी पोर्ट्स की हम बात करें, अडानी पोर्ट्स भी आज ठीक रहा. अडानी पोर्ट्स हमने आपको बाय करने के लिए बोला था 1570 पे और इसका हाई बनाया है आज का 1622 का, तो ईजिली इसमें भी आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिला. तो अगला स्टॉक था हमारा क्यूरियो इंडिस. ये जो था हमारा आज काफ़ी अच्छा, मतलब काफ़ी अच्छा इसने रिटर्न दिया. पहले तो ये बढ़ा, बढ़ते समय इसने हमारे सारे टारगेट प्राइस अचीव करके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको दे दिए थे. एक्स्ट्रा क्या, बहुत ज़्यादा ही एक्स्ट्रा, लगभग 40 पॉइंट एक्स्ट्रा ये आपको दे के चले गया. 558 पे हमें इसे बाय करना था, इसने अपना हाई बनाया 528 का, तो आप लगा सकते हैं कितना एक्स्ट्रा पॉइंट से दे के चले गया था. मिड कैप का स्टॉक था, मेन बात ये थी मिड कैप का स्टॉक था तो आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते थे और अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते थे. एक जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी इसमें बुक किया है. बाकी इसका शॉर्टिंग का लेवल बताऊं, शॉर्ट का लेवल था हमारा 44 का. अब इस लेवल में मान के चलो यहाँ पे हमें शॉर्ट करके चलना था. पहली बार में इसने एक टारगेट प्राइस अचीव किया. अब यहाँ पे क्या रूल आपको काम आया होगा, जो मैं हमेशा कहता हूँ पहले टारगेट प्राइस पे आपको स्टॉप लॉस शिफ्ट करना है, वो रूल हमारा यहाँ पे काम आएगा क्योंकि ये हल्का सा इसने अपवर्ड मूवमेंट लिया, उसके बाद दोबारा डाउन आ गया, उसके बाद दोबारा यहाँ पे आपको लेवल ब्रेकआउट हुआ, दोबारा लेवल ब्रेकआउट करके इसने तीनों टारगेट प्राइस शॉर्ट सेलिंग साइड के भी अचीव कर दिए. तो ये थे कुछ स्टॉक्स जो कि काफ़ी अच्छा जिन्होंने परफॉर्म किया था. 4 जून 2021 के लिए क्या लेवल्स हमारे रहने वाले हैं, देखिए काफ़ी सारे लेवल्स हमारे और थे बट उन्होंने फ्लैट मार्केट पर वर्क करने के कारण कुछ ज़्यादा अच्छा रिटर्न नहीं दिया. एक टारगेट या दो टारगेट भी नहीं, एक ही टारगेट प्राइस अचीव कर पाए, 7 पॉइंट अप या फिर 5 पॉइंट अप, तो वो मैंने आपका टाइम वेस्ट करने के लिए दिखाया नहीं. स्टॉक जो अच्छा परफॉर्म किया खाली उन्हीं को दिखाया है. हेवल्स की बात करूँ तो देखिए इसमें जो है स्टॉक जो है पहले डाउन था, फिर उसके बाद बायर्स ने अपनी अच्छी पोजीशन बनाई, फिर सेलर्स ने इसको डाउन लाने की कोशिश करी, बट ये जो था मीडियम में यानी कि कंट्रोल में था जो भी था, अब तब तक मार्केट क्लोज हो गया था. अब अगर हम इसकी लास्ट कैंडल स्टिक देखें तो सेलर्स ने इसने अपनी पोजीशन बनाई है, हो सकता है ये कल जो है गैप डाउन ओपन हो जाए या फिर इसी प्राइस पे यहीं पे कहीं पे ओपन हो जाए. तो गैप डाउन ओपन होगा तो देख लेंगे क्या प्राइस है इसके, क्या चेंजेस होंगे. बाकी अभी के लिए जो इसका लेवल बन रहा है
वो बन रहा है 1066 का। ये 1066 का लेवल ब्रेकआउट कर देगा तो अच्छा खासा बियरिश मूव आपको देखने को मिलेगा। निफ्टी अगर रिवर्सल लेगा तो ये स्टॉक भी रिवर्सल ले सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी अगर स्टॉक गैप ओपन होता है तो यहाँ जाके हल्का हल्का बियरिश भी देख सकते हैं, या फिर अप ट्रेंड, काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड भी हमें देखने को मिल सकता है। 1078 का यानी कि 1079 पे आप इसे बाय करेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा 1068 यानी कि 1067 समथिंग पे अपना स्टॉप लॉस हिट मान के ट्रेड से बाहर आएंगे। टारगेट रहेगा 1082 1090 1100 का। अब अगर आप सोच रहे होंगे कि इन पॉइंट्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो ये बात ध्यान रखिएगा, पहले स्टॉक ऊपर जाएगा फिर डाउन आएगा, तब तक आपका ऊपर जाने पे टारगेट अचीव होंगे, आप ट्रेड से बाहर आ चुके होंगे, डाउन आते समय आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी क्योंकि आप ट्रेड से बाहर होंगे ऑलरेडी। इस लेवल पे आपको शॉर्ट करना पड़ेगा। अब 66 पे आप इसे शॉर्ट करेंगे क्योंकि 67 पे आप शॉर्ट कर नहीं सकते, ये तो लेवल है, तो आप इसे 66 पे शॉर्ट करके चलेंगे। 1077 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, मोस्ट प्रॉब्ली 1078 पे लगाएंगे। टारगेट रहेगा 1062 1055 1040 का। ध्यान रखेंगे पहले टारगेट प्राइस पे स्टॉप लॉस शिफ्ट करना बहुत जरूरी है, हालांकि आप सेकंड टारगेट प्राइस पे ना करिए, भले ही अचीव होते ट्रेड से बाहर आ जाइए या फिर थर्ड टारगेट प्राइस पे अचीव होते बाहर आ जाइए, पर फर्स्ट टारगेट प्राइस पे आपका टारगेट शिफ्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाटा कम्युनिकेशन हमारा अगला स्टॉक होने वाला है जिसे आप बाय करके चलेंगे। 1127 का लेवल ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे देखिए एक रिवर्सल, हमें हल्का सा रिवर्सल देखने को मिला है एट द एंड में मार्केट में। पहले ये अच्छा खासा इसमें सेलर्स ने पोजीशन बनाई, फिर बायर्स ने अपनी पोजीशन बनानी शुरू ही की थी कि मार्केट एंड हो गया, तो हो सकता है ये कल गैप ओपन होके ये लेवल ब्रेकआउट करके अच्छा आपको अपवर्ड मूवमेंट दिखा दे, या फिर हो सकता है यहीं से ये गैप ओपन होके इसी लेवल पे होल्ड करते करते फिर से डाउन आ जाए, तो ये डिपेंड करता है निफ्टी पे। मैं टोटली बोल रहा हूँ निफ्टी पे डिपेंड करता है, अगर वो फ्लैट चलेगा तो हो सकता है स्टॉक में मूवमेंट आपको बिल्कुल ना मिले। ऐसे में क्या करना है, अपनी ट्रेड को बंद कर देना है, ट्रेड से बाहर आ जाना है, बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेनी है। जब तक आपको मूवमेंट नहीं मिला तो उस ट्रेड का आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। लेवल से जो शॉर्ट सेलिंग का इसका रहेगा 1116 का, और लेवल गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन होने के इस लेवल को एक्सीड करने पे या फिर इस लेवल को एक्सीड करने पे हम अपना लेवल चेंज करेंगे, जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पे लेवल मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन जरूर हो जाएगा। मॉर्निंग में दो कॉल्स मैं वहीं पे अपलोड भी करता हूँ, तो वहाँ पे आपको टोटल आपको 4 स्टॉक्स हो जाएंगे। टाटा कम्युनिकेशन जैसे मैंने बोला 1127 पे इसे बाय करेंगे, 1117 पे स्टॉप लॉस लगाएंगे यानी कि 1116 पे, ये बात ध्यान रखिएगा, बार बार मैं रिपीट नहीं करूँगा, आपको इस लेवल को ब्रेकआउट होने पे बाय करना है। टारगेट रहेगा 1132 1140 1115, शॉर्ट सेलिंग का लेवल रहेगा 1116, स्टॉप लॉस रहेगा 1127, टारगेट रहेगा 1111 1103 और 1095। ये तो हो गया आपके बाद, बाकी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। मिड कैप के स्टॉक्स में प्रोवाइड करता हूँ जिनमें आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है, जैसे कि आज हमें क्री इंडस्ट्रीज में मिला। वैसे देखिए अगर निफ्टी फ्लैट चलेगा तो आप मान के चलिए 80% स्टॉक आपके फ्लैट मार्केट पे वर्क करेंगे, ऐसे में आपको ट्रेड छोड़ देनी है। बाकी टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन जरूर जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और एक बात ध्यान रखिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।